सैफरन केसर को अक्सर एक मसाले के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है जो अपने वजन से अधिक कीमती है। ये इतना महंगा है कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या मैं सैफरन को उगा सकता हूँ और अपने खुद के केसर की फसल भी कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है हाँ, आप अपने घर के बगीचे में केसर उगा सकते हैं। केसर या सैफरन पूरी दुनिया में सबसे महंगा मसाला है और एक दिलचस्प प्लांट है क्योंकि ये लगभग कहीं भी उग सकता है। दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड नाम दिया गया है। केसर उगाने का तरीका जानने के लिए आज के हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। और अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन टू सैफरन। माना जाता है कि केसर के उत्पत्ति माता पिता के रूप में जंगली केसर के साथ ग्रीस से हुई थी। जंगली केसर को बोटैनिकली रूप से क्रोकस कैटवरिक्टियनिस कहा जाता है और इसके घरेलू व्यापार केसर है। बिजनेस की उम्मीद से खेती की जाने वाले केसर को बोटैनिकली क्रोकस कैटवरिक्टस नाम दिया गया है। ये ऊंचाई में 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और गोलाकार क्रॉम्स के साथ एक बल्ब जैसा पौधा है। ये केसर की खेती के लिए लगाया जाता है। केसर या केसर के फूल का रंग बाकी से बैंगन जैसा हो जाता है। इसका स्टाइल पीला है जबकि स्टिग्मा चमकदार लाल है। केसर के फूलों को 3 ब्रांचेस में बनाया गया है। फूलों के लाल रंग को स्टिग्मा को काटा जाता है और मसाले के लिए उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ सैफरन। भारत में केसर का सबसे लोकप्रिय उपयोग दूध और दूध की मिठाई में स्वाद और रंग भरने वाला एक एजेंट रूप में होता है। इसके अलावा ये पनीर, मेयोनीज, मीट आदि में एक मसाला एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये मुगलाई डिशेज में एक स्वादिष्ट और मसाला एजेंट के रूप में लोकप्रिय है। इसका उपयोग आर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी, क्योरिंग लिवर और आयुर्वेद में बुखार ठीक करने के लिए किया जाता है। कंडीशंस फॉर सैफरन कल्टीवेशन। केसर लगभग कहीं भी बढ़ सकता है। कमर्शियल केसर उत्पादन के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उपजाऊ मिट्टी। क्लाइमेट अगला बड़ा कारण है। इसके लिए एक अच्छी फोटो पीरियड और हल्की मॉइस्चर वाली सूखी मिट्टी की जरूरत होती है। बढ़ती केसर के लिए गर्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है। केसर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए 12 घंटे का एक फोटो पीरियड चाहिए। दूसरे शब्दों में अच्छी ग्रोथ के लिए इसे 12 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। सीजन फॉर सैफरन फार्मिंग। भारत में केसर की खेती जून और जुलाई के महीनों के दौरान की जाती है। कुछ स्थानों पर अगस्त और सितंबर में भी इसकी खेती की जाती है। केसर का पौधा अक्टूबर में खिलना शुरू करता है। केसर को गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों के दौरान अत्यधिक ठंड की आवश्यकता होती है। सर्दियों के दौरान अधिकतम ग्रोथ होता है। इस तरह का मौसम कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में है। सॉइल फॉर सैफरन फार्मिंग। केसर की खेती में मिट्टी में नीड्स में से एक है। ये लोमी, सैंडी या शांत मिट्टी में बढ़ सकता है। ग्रेवली मिट्टी भी केसर की खेती के लिए बहुत सही है। मिट्टी में एक अच्छी मॉइस्चर बनाए रखने की क्षमता होना आवश्यक नहीं है क्योंकि केसर में ग्रोथ और गर्मियों में अत्यधिक शुष्कता के दौरान मध्यम मात्रा में मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। हालांकि केसर की खेती के लिए हैवी मिट्टी वाली जगह की जरूरत नहीं है। पीएच रिक्वायर्ड फॉर सैफरन प्लांट। केसर एसिडिक मिट्टी में अच्छा खिलता है। यह अच्छी तरह से बढ़ता है जब मिट्टी का पीएच 5.5 से 8.5 के आसपास होता है। लैंड प्रेपरेशन फॉर सैफरन कल्टीवेशन इन इंडिया। केसर की खेती के लिए जमीन 2 से 3 बार क्रश करना चाहिए। ये पिछले फसल के पार्टिकल्स, पत्थर, चट्टानों और मिट्टी के गुच्छों से मुक्त होना चाहिए। बार बार जुताई करने से मिट्टी को ढीला होने में मदद मिलती है। ऊपरी सतह पर कोमलता आती है और फर्टाइल भी हो जाती है। फार्म यार्ड में मैन्योर और ऑर्गेनिक कंटेंट को भी खेती से पहले मिट्टी में मिलाया जाता है। केसर की खेती दोनों बेड्स के साथ साथ गड्ढों में भी की जा सकती है। अन्य पौधे से 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और 12 से 15 सेंटीमीटर तक गड्ढे में होना चाहिए। हार्वेस्टिंग एंड सैफरन प्रोडक्शन इन इंडिया। केसर में कटाई प्रक्रिया सामान्य लेन वाली होती है। वास्तव में ये हार्वेस्टिंग प्रक्रिया है जो केसर को एक महंगा मसाला बनाती है। केसर के पौधे रोपण के 3 से 4 महीने के भीतर फूल आने लगते हैं। केसर की विशेषता यह है कि फूल के व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा है। दिन ढलने के साथ ही ये भी झुक जाते हैं और सुबह होते ही फूल खिलते हैं। इसलिए फूलों की कटाई सुबह में की जानी चाहिए। कहा जाता है कि सनराइज के बाद और सुबह 10 बजे के बीच फूलों को चढ़ाना चाहिए। फूलों के स्टिग्मा को हटाने के लिए ढेर किया जाता है जो ऑरेंज से रेड रंग का हिस्सा होता है। स्टिग्माता 5 दिनों के लिए सूरज के नीचे सूख जाते हैं और फिर एयरटाइट कंटेनर में पैक किए जाते हैं।
सोलर ड्रायर्स के मामले में इसे 7 से 8 घंटे सुखाने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जो सैफ्रन से कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के वक्त ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप भी सैफ्रन की कल्टीवेशन करना चाहते हो तो ऑफकोर्स ये टिप्स आपको जरूर काम आएगी। और इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।